वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है कि आज आपको हम बताएंगे आप भीम यूपीआई का यूज कैसे कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। भीम सर्च करिए, भीम UPI। ये फ्रेंड सबसे ट्रस्टेड ऐप है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का है। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल किया हुआ, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होते, इंस्टॉल कर लीजिए। और आपका कोई एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड मेरा भीम UPI ऐप खुल गया है। तो फ्रेंड इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे सेंड और स्कैन, ठीक है। सेंड जो होगा आप किसी को पैसा भेज सकते हैं, या आप शॉप में जाइएगा, शॉप में UPI के यूज़ शॉप में स्कैन करके पैसा दे सकते हैं। कहीं भी आप स्कैन करके या किसी को भी आप दे सकते हैं पैसा। तो सबसे पहले मैंने बोला तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो किसी भी बैंक में होना चाहिए, और आपका एक मोबाइल नंबर उसमें बैंक से लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, चलिए दिखाते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक है, तो यदि आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो आप सबसे ऊपर वाला में क्लिक करिएगा और प्लस का, जैसे आपका कोई भी बैंक है, जैसे बैंक कोई भी चॉइस करना हो, जैसे एग्जांपल, जैसे मेरा लिंक है पहले से, जैसे आपको ये जैसे इलाहाबाद एयरटेल पेमेंट बैंक में आप क्लिक करिएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, एक्चुअली मेरा बैंक लिंक है, तो जैसे मेरा ये बैंक लिंक नहीं है तो मेरा नहीं शो करेगा। यदि आपका जो भी बैंक है इसमें पहले एक लिंक है ना, वो ऑटोमेटिक आपका बैंक लिंक हो जाएगा, वो नंबर आप सेट। तो आज आपको बताएंगे इसमें क्या क्या फीचर है भीम UPI, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड ऐप है और ये गवर्नमेंट ऐप है, और इसका यूज आप पूरे इंडिया में और कहीं भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, सेंड में आपको किसी को भी जैसे पैसा सेंड करना है तो आपका उसका UPI ID होगा, या बैंक, देखिए जैसे बैंक है, बैंक उसका बैंक चॉइस करके आप पैसा भेज सकते हैं, या आपका कॉन्टैक्ट में यदि वो बंदा चलाता होगा तो, या भीम, तो उसको भेज सकते हैं। और दूसरा इसमें रिक्वेस्ट मनी, आप रिक्वेस्ट किसी से पैसा रिक्वेस्ट कर सकते, जो बंदा भीम UPI चलाता है। तो आज हमको आपको बताएंगे कि चलिए जैसे स्कैन करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं स्कैन में टिपा, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा कोई देखिए स्कैन, देखिए जैसे ये फ़ोन पे जैसे शॉप में ऐसे ही रहता है, देखिए मैंने स्कैन किया तो जैसे यहाँ पर आ गया, देखिए जहाँ मैंने स्कैन किया तो यहाँ पर आ गया राहुल ठाकुर। तो मैंने इसे समझ, जैसे मुझे यहाँ एग्जांपल ग्रुप मैंने 1 रुपया सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 रुपया सेंड करता है तो मैंने पिन अपना डाल दिया, देखिए जैसे यहाँ सेंड हो रहा, प्लीज़ वेट बता रहा। तो देखिए मनी सेंड हो गया, बहुत ही जैसे 1 रुपया मैंने सेंड कर दिया। यदि आपको ये सेंड हुआ तो आपको देखना है तो यहाँ जा सकते हैं, देखिए जैसे मैंने ये सेंड किया, ये दिखा रहा सक्सेस हो गया, ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया। वो ये बहुत ही ट्रस्टेड ऐप, आपको ये बहुत सुविधा देगा, और इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जैसे नियर बाई जो जो एक्सेप्ट करता है पेमेंट, यहाँ सर्च कर सकते हैं, जो शॉपिंग शॉप जो भी शॉप स्टोर जो भी ये एक्सेप्ट करता है वहाँ पर दिखाएगा। और यदि जैसे इसमें आपको ऑफ़र भी दिखाएगा, क्या क्या ऑफ़र है ट्रेवल शॉपिंग में, मतलब देखिए जैसे ये ऑफ़र दिखा रहा है, इतने 10% ऑफ़र है, मतलब ये बहुत ही ऐप है। फ़ोनपे कई तरह है, फ़ोनपे का से भी मान बोल सकते हैं, फ़ोनपे से भी अच्छा ऐप है। तो फ्रेंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, और यदि जिसको ये वीडियो दरकार है उसे शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड।